भोकाल हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वॉचिंग सीजन टू भोकाल यार, you, थोड़ा लंबा है दस एपिसोड है बट इट्स इट्स अ गुड डिसेंट इंटरेस्टिंग सीजन टू यू नो व्हाट इज रियली गुड इज एक जो चीज जो डायरेक्टर ने काफी अच्छा किया इस बार की हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ तो एक्शन कुछ ना कुछ तो ड्रामा कुछ ना कुछ तो हल्का ट्विस्ट एंड टर्न डाला है जो आपको बांधे रखेगा मतलब इट विल मेक श्योर दैट योर इंटरेस्ट नेवर रियली डिप्स एंड इट कीप्स यू इन्वेस्टेड द एक्शन द ड्रामेबाजी दैट यू विल गेट टू सी नीच एंड एवरी सिंगल एपिसोड विल कीप यू सफिशियंटली एंगेज एंड सफिशेंटली इंटरेस्टेड एंड इन्वेस्टेड वाइल्ड वॉचिंग दिस सीरीज दैट इज सीजन टू एंड दैट इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर सीजन टू द बिगेस्ट यू एस पी ऑफ सीजन टू एंड सेकेंडली जो एक्शन को जिस तरह से शूट किया दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से शूट करके दिखाया है बहुत इंपैक्टफुल लगा बहुत रियल लगा बहुत रॉ लगा बहुत नेचुरल लगा विच इज़ वेरी वेरी गुड यार एक हाथ एपिसोड में आई थिंक फिफ्थ या सिक्स एपिसोड में एक गमला फुर्द फ्लॉरपॉट फोर्ड तैयार एक आदमी पर यार बहुत इंपैक्टफुल लगा वैसे बहुत सारे रियल इंपैक्टफुल एक्शन सीक्वेंस

और जो उनका बॉडी लैंग्वेज है और डायलॉग डिलीवरी है ये दो चीज़ स्टैंड आउट करता है यार एंड उनका एक्शन पे जो पकड़ है यार वो भी बेहतरीन लगा मतलब वो बोलते ना यार एक थग एक प्रॉपर थग गुंडा दैट यू वुड लव टू तो हेट वो उन्होंने दिखाया है उनके कैरेक्टर द्वारा इस सीजन टू में बहुत बढ़िया लगा सिद्धांत कपूर ने भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है बाकी जो भी एक्टर्स को कास्ट किया जो लोकल कास्टिंग भी हुआ है वो भी बहुत बहुत अच्छा हुआ है ओवरऑल एक्टिंग वॉइस इट्स अ टॉप क्लास सीरीज अब कहानी की अगर मैं बात करूं दोस्तों सीजन टू का कहानी ना मुझे ओके लगा एज कंपेयर टू तो सीजन वन सीजन टू में ने थोड़ा प्रेडिक्टेबल रूट ले लेता है एंड यू यू विल वेरी वेल नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द एंड एंड द एग्जैक्ट सेम थिंग हैपेंस इन द एंड एज वेल सो नो सरप्राइजेस देयर बट स्टिल द ट्रीटमेंट ऑफ दैट प्रेडिक्टेबल स्टोरी एंड ऑफ कोर्स लाइक आई सेड द प्रेजेंस ऑफ एक्शन कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द सीजन टू विल कीप यू सफिशेंटली नाइसली एनगेज एंड इन्वेस्टेड वाइल वाचिंग सीजन टू आई एम गोइंग थ्री स्टार्स एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है सीरीज का ये तो कहना पड़ेगा गाली गलोच बहुत है यार हर एक सेंटेंस पे गाली गलोच हर एक वर्ड पे गाली गलोच इतना गाली गलोच की यार मैं टीवी पे देख ही नहीं पाया यार फिर टीवी बंद करके मुझे मोबाइल पे देखना पड़ा यार वगैरह लगा के तो ये हालत था तो इतना गाली गलोच होना नहीं चाहिए मतलब चलो ठीक है थोड़ा बहुत कॉन्टेक्ट में समझ सकता हूँ स्टोरी ऐसा है वो लोकेशन ऐसा है वो एटमोसफियर ऐसा है सिटुएशन ऐसा है कि गालियों का जरूरत पड़ता है बट यार इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए कि हर एक सेंटेंस में आपको लगे कि गाली बरस रहा है यार बाकी इस बार अनिल धवन साहब भी है तो उनका भी एक्टिंग मुझे काफी अच्छा लगा बाकी रश्मि न वेरी 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 नाइस लेंथ थोड़ा ज्यादा है मैं तो हमेशा कहता हूं यार आठ छः से आठ रख दो लेंथ पे थोड़ा काम किया जा सकता था बट स्टिल नेवर दस ऐसा नहीं कि यार अब ज्यादा बोर होंगे ज्यादा ऐसा डायलॉग्स या कॉन्वर्जेशन या बग बग पे ज्यादा फोकस नहीं किया है बीच बीच में कुछ ना कुछ तो ड्रामेबाजी होता रहता है एक्शन होता रहता है जो आपको बांधे रखेगा थ्री स्टार्स दैट्स माई रेटिंग फॉर सीजन टू ऑफ भोकाल अगर आपने देखा है तो मुझे बताना आपको ये सीजन टू कैसे लगा सीजन वन बेहतरीन लगा या सीजन टू बेहतरीन लगा आपके हिसाब से जो भी आपको ओपिनियन है लिख कर बताना चलिए फॉर द मोमेंट टाटा